नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ESIC नंबर है और आपका ESIC में कंट्रीब्यूशन होता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। मैं उमंग ऐप पर ESIC सर्विसेज की डिटेल बताऊंगा, जहां पर लॉगिन करके आप अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल डिवाइस में उमंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको इसको ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आप यहां से सर्च कर सकते हैं ESIC, या तो फिर आप जो है यहां पर ऑल सर्विसेज में जा के भी इसको ढूंढ सकते हैं। तो ESIC सर्विस को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको उसके बाद जो है लॉगिन करना होगा किसी भी सर्विस में जाने के लिए। तो सिंपली माई प्रोफाइल इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको अपना ESIC नंबर एंटर करना होगा। ESIC नंबर एंटर कर लेने के बाद सिंपली वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके ESIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। ध्यान रखिए कि अगर आपके ESIC नंबर से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पर लॉगिन करके ESIC सर्विसेज का लाभ नहीं उठा सकते, यहाँ पर अपनी डिटेल नहीं चेक कर पाएंगे। तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है आपके ESIC नंबर में। तो एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद आप जो है यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा और उसके बाद आपको यहां पर गेट OTP बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके ESIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और उसके बाद सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर माई प्रोफाइल में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे एड्रेस डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स और आपकी खुद की डिटेल्स, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फैमिली डिटेल्स में आपकी फैमिली की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो आपने अपने ESIC में अपने जितने भी फैमिली मेम्बर का नाम ऐड कराया होगा उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अदर डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे UHID नंबर, इंश्योरेंस नंबर वगैरह वगैरह। हम बैक आते हैं तो यहाँ पर सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपनी कंट्रीब्यूशन डिटेल्स, क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और अपने क्लेम की स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक फॉर्म भी मिल जाता है और कोवर्कर IPs का भी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अपनी कंट्रीब्यूशन डिटेल्स देखनी है तो कंट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से कंट्रीब्यूशन पीरियड का आप चेक करना चाहते हैं, उसके बाद ईयर सिलेक्ट करना है और सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि किस किस महीने आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन ESIC में जमा हुई है। सबसे नीचे आपको डाउनलोड PDF का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपनी कंट्रीब्यूशन डिटेल्स का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं ESIC के अंतर्गत उसकी स्टेटस देख सकते हैं, जैसे बेनिफिट टाइप दिया हुआ है और स्टेटस में बताया गया है कि आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं या तो फिर नहीं। तो आप इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपको इनकी सबके बारे में पता चल जाएगी। जिस बेनिफिट टाइप का स्टेटस में यस है इसका मतलब उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, और जिसमें नो है स्टेटस उसका मतलब कि उस बेनिफिट को आप नहीं ले सकते हैं। तो उसके जस्ट बगल में ये भी दिया होगा कि उसका रीज़न क्या है, किस कारण से आप उस बेनिफिट को नहीं ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर क्लेम स्टेटस का, तो ESIC के अंतर्गत अगर आपकी कोई क्लेम पेंडिंग है तो उसकी स्टेटस भी यहाँ से देख सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों फीडबैक फॉर्म भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बैक जाते हैं तो यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे ESIC सेंटर्स। तो इस ऑप्शन से आप ESIC के अलग अलग सेंटर्स को खोज सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ESIC सेंटर्स हैं। और उसके अलावा ग्रीवियंसेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप ESIC से रिलेटेड कोई भी अपनी शिकायत या समस्या रजिस्टर कर सकते हैं, ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। अबाउट ESIC स्कीम के ऑप्शन से आप ESIC स्कीम के बारे में जान सकते हैं। नॉलेज बैंक, इस ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो ESIC से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके ESIC नंबर में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप उमंग ऐप पर जाकर भी अपने ESIC से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।